राजनीति सब अपने अपने हिसाब से राजनीति को बुनते हैं, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी को सत्ता में लाने में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन की भूमिका बहुत अहम थी। इन दोनों स्थानों पर भूमि आंदोलन की वजह से तृणमूल कांग्रेस का जनाधार बढ़ा और साथ ही वो सत्ता पर काबिज भी हो गई। लेकिन जो सिंगूर दीदी का गढ़ माना जाता था, वहां के लोगों और किसानों का दर्द देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रत्यूष खरे की सिंगूर से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जी हिंदुस्तान बंगाल में है, हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की बात करते हैं, खबरों में हिंदुस्तान, दिल में हिंदुस्तान, और जब बात हिंदुस्तान की हो रही है तो बंगाल की जमीन की भी बात होनी चाहिए। इस वक्त मैं सिंगूर में हूँ, वो सिंगूर जहाँ से ममता बनर्जी ने सत्ता का रास्ता तय किया। यहाँ पर क्या जमीनी हकीकत है लोगों से ही जानते हैं। ये बताइए कि सिंगूर आंदोलन इतना बड़ा हुआ, टीएमसी जो है वो सत्ता तक पहुंच गई, लेफ्ट का किला ढह गया, लेकिन सिंगूर ने क्या पाया मुझे बताइए, यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है? सिंगूर में कुछ नहीं पाया है, जब वामपंथ था पालने का उम्मीद था और टीएमसी जो धरना किया था, ममता ने धरना किया था, उम्मीद में पूरा पानी फेर दिया था। कुछ काम काज नहीं है, मैं ऐसे ही घूमता हूँ, मतलब काम भी छिन गया, जमीन भी, अब जो मिला हो, काम भी गया, जमीन भी गया और इंसान भी गया। दादा हमारा जमीन वाह ममता जी 22 दिन धरना किया था, ठीक है, सिंगूर में जो इसको देना था जमीन वापस में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुख की बात है, केंद्र सरकार बोला था इसको जमीन दे दो, लेकिन खेती बाड़ी के लिए कुछ नहीं हुआ है। ममता दी अपने सिगुड़ेवासी के सिगुंदी गिरफ के लिए अब जो किया था गलत किया है, टाटा भी चल गया, टाटा की गलत, टाटा हमारा आया था, बाल बच्चा भी खाना के लिए डुगड़ी भी सोने चाहिए, अब भी बोला टांग तोड़ गया, अभी बोला टांग तोड़ गया, टांग किस लेके चल गया, आपको बल्ब नहीं चलता है, तो आप लोग आप खुद काट रही है भैया, आप खुद ममता दी भाई को ओरा सची करे कोड़े से। ये देखिए, ये है सिंगूर के गांव वालों का दर्द, ये भाई साहब रो पड़े कि इनका इनकी जमीन जमीन चली गई थी, मिली तो अब वो जमीन खेती करने लायक नहीं है। ये कह रहे हैं जो 2000 रुपए मिलता है यहाँ पर, भाई साहब ने बताया कि बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है, एक ने कहा कि जो मिलता भी है वो केवल टीएमसी के कैडर्स को मिलता है, बाकी लोगों को वो नहीं मिलता, इसलिए इनका एक अपना दर्द भी है, अपनी ये नाराजगी भी। अब इस बार सिंगूर इस चुनाव में अपना क्या जनादेश देखता है, तो ये सिंगूर की ग्राउंड रियलिटी। अब ये 2 तारीख को पता चलेगा, 2 मई को जब नतीजे सामने आएंगे कि सिंगूर अपना जनादेश किसके हक में देता है। और अब बात उस राज्य की जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, असम के तिनसुकिया में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने असम में पिछले 5 साल तक रही बीजेपी की सोनोवाल सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। साथ ही ये कहा कि पिछले 5 साल में असम में ना तो आंदोलन हुए और ना ही आतंकवाद, 5 साल और मिले तो असम से पूरी तरह से घुसपैठ को खत्म कर देने का दावा अमित शाह ने किया। साथ ही अमित शाह ने यह कहा कि कांग्रेस बांटने की सियासत पर यकीन करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर तंज कसा, असम में तिनसुकिया से अमित शाह ने जनसभा जब की तो कांग्रेस को बताया कि किस तरीके से वो बंटवारे की राजनीति करती है और तंज कसा राहुल गांधी पर। हमने कहा था एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, असम के अंदर से आंदोलन और आतंकवाद दोनों को हम समाप्त कर देंगे। और मित्रों, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 5 साल के बाद असम में ना आंदोलन है ना आतंकवाद है, शांति के साथ विकास ही विकास चल रहा है।